तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सबने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो आज हम जाने वाले मुंबई उपनगर के सबसे बड़े गणपति का दर्शन करने के लिए, जो कि है साकी नाका के महाराजा। तो चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साकी नाका के महाराज की मूर्ति जो है स्थापना की गई है स्मिता कॉम्प्लेक्स में, जो कि पड़ता है कुरला जरेमरी रोड पे MTNL ऑफिस के पास एयरपोर्ट रोड के यहाँ। और देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे सोशल वर्क किया जाता है। एक साइड में जो मंडप लगाया गया है वहाँ पे श्रद्धालुओं को जो बप्पा के दर्शन करने आते हैं चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई है मंडल की तरफ से। और ये जो सुविधा है रात के 8 बजे के बाद चालू हो जाती है। जो भक्त और जो श्रद्धालु रात के 8 बजे के बाद आते हैं दर्शन करने के लिए, फिर वो कितने बजे तक भी आए, उन सभी को चाय और नाश्ता फ्री में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने साकी नाका महाराज का मंडप, मुंबई उपनगर तिल शरद उंच मूर्ति। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। मैं भी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ ये मंडल में, और इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे। तो चले अभी हम अंदर चलते हैं। और अभी आप देख सकते हो एंट्रेंस में क्या ही भारी डेकोरेशन किया गया है। मंडप तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये आप देख सकते हो, ओ भाई साहब देखो, साकी नाका के महाराज के दर्शन हो गए हैं। क्या ही विशाल काय मूर्ति है भाई साहब, कम से कम 40-50 फीट की तो हो गई होगी। ये रही मुंबई की सबसे ऊंची मूर्ति। तो दोस्तों, मुंबई की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्शन करके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा हमें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, जिसके कारण बाकी के लोग भी बप्पा के दर्शन कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।